प्रदेश में कुछ जगह सेक्टर्स की मेंटेनेंस का काम नगर निगमों के हवाले करने से ज्यादा सुधार तो नहीं हुआ, उल्टे इसका विरोध होने लगा है। पर अब पानीपत में ये हो रहा है कि सेक्टर्स में सुविधाओं और सुरक्षा के नाम पर बनी RWAs ही राजनीति का अखाड़ा बन गई हैं। शुरुआत सेक्टर 18 से हुई, इसकी आंच सेक्टर 13-17 और फिर अंसल सेक्टर 19 तक पहुंच गई। अब चौधर की जंग ऐसी छिड़ी है कि जो RWA सेक्टर्स के लिए मिलकर काम करती, अब वो एक दूसरे पर दाव आजमा रहे हैं। इस लड़ाई में सत्ता से जुड़े बड़े नेताओं को भी इनकी मान मनोवल करनी पड़ रही है। मान जाओ भाई, मकसद तो उनका होता है जी समाज की सेवा करना, लेकिन लोग इसको ना चौधर की कुर्सी मान बैठे हैं। जो भी यहाँ प्रधान बनना चाहते हैं, ज्यादातर उनका एम होता है कि वो चौधरी बन जाएंगे उस पर्टिकुलर सेक्टर के, उस सोसाइटी के, जबकि ये सेवा की जगह है। इसमें आपको समाज को समय देना होता है, अपने काम छोड़ के समाज के काम करने होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसको सेवा ना मानकर ये मानते कि आपके MLA वाली सीट पे जाने के लिए ये पहली पीढ़ी मान बैठे इसको। गौरतलब है कि किसी सेक्टर में चुनाव समय पर नहीं हुए, कहीं चुनाव पर स्टे हो गया। पिछले हफ्ते सहायक रजिस्ट्रार ने तो अंसल सुशांत सिटी की RWA को ही भंग कर दिया कि तुमने तय समय पर अगले चुनाव क्यों नहीं करवाए। अब चौधर की जंग में उलझे इन नेताओं में सेक्टर के निवासी पिस रहे हैं। कुछ लोगों ने इसको ना चौधरी का या चौधर का एक माध्यम बना लिया है, और उसमें जो वो एक बार RWA का प्रधान बन जाता है, वो ये सोचते हैं भी तेरी पपोती बन गया। जहाँ पर ऐसी व्यवस्था बनती है वहाँ पर चौधर की, तो वहाँ पर ना आपस में डिस्प्यूट होते हैं, और डिस्प्यूट होने से एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं। हर समाज में 2-4 गलत सोच के आदमी मौजूद हैं, और वो समाज को हमेशा एहसास दिलाते हैं भी हम भी इस समाज में हैं। उन गलत आदमियों के बगैर समाज पूरा नहीं होता। सिर्फ अच्छे आदमी नहीं रहते, वहाँ गलत आदमी भी रहते हैं, और अच्छा आदमी तो कई बारी किसी बात पे चुप रह जाता क्योंकि वो अच्छा आदमी है, लेकिन जो गलत आदमी होते हैं वो चुप नहीं रहते, वो अपनी गलत हरकतें करके ही मानते हैं। गौरतलब है कि पानीपत की अंसल सुशांत सिटी में तो 3 RWAs हैं, सबके अपने प्रधान और कार्यकारिणी है। सबसे दिलचस्प स्थिति सेक्टर 18 की है। मौजूदा प्रधान और पूर्व प्रधान में तलवारें खींची हुई हैं, आरोप प्रत्यारोप जबरदस्त। 6 साल तक सेक्टर 18 के RWA के प्रधान रहे सरदार गुरदीप सिंह कहते हैं कि हमने अपने वक्त में NGT तक सेक्टर की लड़ाई लड़ी, जीती, अब ये भाई उसके टेंडर्स तक नहीं लगवा पा रहे। कई सेक्टर्स में RWAs में छिड़ी इस महाभारत पर सहायक रजिस्ट्रार क्षितिज कपूर का कहना है कि वायलेशंस तो है, कंप्लायंसेस नहीं हो रही, ये रिपोर्ट ऊपर भेजी जाएगी। ये क्या भाई, आजकल कहते हैं पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, राजनीति एक गंदा खेल है, लेकिन ये खेल अब सेक्टर्स जो है उनमें RWAs बनी हुई है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, RWA में भी अब ये राजनीति घुस आई है। एक तरह से RWAs राजनीति का अखाड़ा बनते जा रहे हैं, और पानीपत में एक साथ कई सेक्टर्स में इस तरह के विवाद शुरू हो गए हैं। इस बारे में अधिकारियों का वर्जन लेना चाहता हूं, उनका कहना है कि कई मामलों में कंप्लायंसेस नहीं हो रही, चुनाव समय पर नहीं हो रहे, और एक दूसरे की शिकायतें की जानी है, इस वजह से अब RWAs पर सख्ती की जाएगी, सरकार भी ध्यान दे। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।